रिया चक्रवर्ती के यहाँ एक पुड़िया ड्रग्स मिलता है तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन अडानी जी के पोर्ट पे करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का और देश के प्रधानमंत्री का लब खामोश हो जाता है। विपक्षी एकता मजबूती को लेकर शुक्रवार को पटना में बैठक रखी गई थी जिसमें विपक्ष के नेता मौजूद रहे, साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विपक्षी एकता मजबूती की बैठक में मौजूद रहे, साथ ही साथ उनका कहना था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको साथ आना चाहिए, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सही बात है कि जिस प्रकार इस देश में 9 सालों के दरमियान लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बलपूर्वक अपने काबू में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र इससे खतरे में है, देश का संविधान इससे खतरे में है। और यही कारण है कि जिन पार्टियों को देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान पे भरोसा और विश्वास है, वो तमाम पार्टियां एकजुट हैं। यूपीए खेमे की बैठक रखी गई, झारखंड में भी यूपीए की सरकार है, कितना असर पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 पर? देखिए, सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में इसका असर पड़ेगा और ये महागठबंधन देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगी 2024 में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जमकर निशाना साधा, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर है। हंसी आती है जब दीपक प्रकाश जी ऐसा बात करते हैं। जो भ्रष्टाचार का इन 9 सालों में इस देश को गंगोत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी, जो व्यक्ति कल तक देश के 609वें स्थान पे था, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करके उस व्यक्ति को आज देश के दूसरे पायदान पे पहुंचा दिया है और वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। रिया चक्रवर्ती के यहाँ एक पुड़िया ड्रग्स मिलता है तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन अडानी जी के पोर्ट पे करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का और देश के प्रधानमंत्री का लब खामोश हो जाता है। ये देश की जनता जानती है कि भ्रष्टाचारी कौन है और भ्रष्टाचार को इन 9 सालों में किसने बढ़ावा दिया है, कौन सरकारी सरपरस्ती में भ्रष्टाचार करवा रहा है, देश की आवाम को पता है। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू हो या फिर बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, उससे आप लोगों को कई फायदे हुए थे, इस बार अगर साथ लड़ती है तो किस तरीके से आगे बढ़िएगा, क्या कुछ रणनीति तैयार कीजिएगा इस बार? देखिए, भाजपा और आजसू एक साथ भी चुनाव लड़ती है तो इसका कोई असर इस राज्य में नहीं होने वाला है क्योंकि राज्य की जनता महंगाई से त्रस्त है। राज्य की जनता इस बात को जान रही है कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के आवाम मर रहे हैं, उनका रोजी रोजगार छीना जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री वैसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो व्हाइट हाउस में डिनर कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में डिनर करें, देश की जनता यह चाहती है कि हम कब डिनर करेंगे, कब हमें भर पेट डिनर मिलेगा, कब हमें भरपेट लंच मिलेगा, देश की जनता यह खोज रही है। लेकिन इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक ओर जहां राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की चर्चा करते हैं, उल्टा सीधा बात बोलकर आते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर तमाम चीजें लोगों के समक्ष रखते हैं कि आखिर इस देश में क्या कुछ अच्छा है। प्रधानमंत्री जी भी विदेश दौरे पे पूर्व में गए थे और उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भारत में जन्म लेना एक अभिशाप बन गया था, तो ये देश का बड़ाई किया क्या उन्होंने? देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत अब भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ कर रही है। उन्हें ये पता है कि 2024 उनके ताबूत का आखिरी कील साबित होगा, तो ये बेचैनी और ये छटपटाहट है भाजपा के लोगों में। लेकिन ये जो यूपीए खेमे की बैठक पटना में रखी गई थी, कांग्रेस को थोड़ा दरकिनार किया गया, या फिर समझते सीट को लेकर, या फिर कह सकते समन्वय नहीं बैठ पाया था? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये हमसे बेहतर मीडिया समझ रही है इस बात को कि कांग्रेस को दरकिनार किया गया था।
तो ये जो विपक्ष के द्वारा मीडिया में एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, तो ये विपक्ष मीडिया के जरिए ये प्रोपगंडा फैला ले, लेकिन तमाम लोग एकजुट है। लेकिन अध्यादेश को लेकर अभी तक आप लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, क्या आप लोग केजरीवाल के साथ है अध्यादेश के खिलाफ, जिस तरीके से केजरीवाल लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं? समय पर, समय के पहले और समय से अधिक कुछ नहीं होता है, और समय पर सारा स्टैंड क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस बैठक से आप लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है, कितना असर देखने को मिलेगा 2024 में, किस तरीके से अच्छे से काम कीजिएगा आप लोग, कुछ रूपरेखा तैयार किए हैं क्या? सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि यह बैठक देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगी। मतलब अच्छे से आप लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं? बिल्कुल, लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो सही रूप से काम होगा। तो आपने सुना कि लोकतंत्र को बचाना है, इसको लेकर विपक्षी एकता मजबूती की बैठक रखी गई। स्पष्ट रूप से महासचिव राकेश सिन्हा का कहना है कि आने वाले समय में झारखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तमाम रूपरेखा यहां पर तैयार की जा रही है कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं अपना काम करेगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 स्कोप रांची।